नमस्कार स्टूडेंट्स, और मैं एनडी सेकंड सेम। टुडे सेशन टॉपिक ऑफ योर कोर्स एडवांस्ड न्यूट्रिशन इज कोबाल्ट। तो कोबाल्ट आपका जो न्यूट्रिएंट होता है, जो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो मिनरल है, यहाँ पे उसकी बात करी जाएगी। तो कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट इज नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 कौन सा होता है? आपका साइनोकोबालामाइन। ठीक है, तो साइनोकोबालामाइन की एक्टिविटी के लिए आपका कोबाल्ट क्या होता है? नेसेसरी होता है। कोबाल्ट फिट्स इन टू द कोरिंग रिंग ऑफ विटामिन B12। जो आपने विटामिन B12 का डायग्राम देखा होगा, तो जो कोरिंग रिंग होती है, कोरिंग रिंग क्या होती है? आपकी पायरल रिंग होती है, ठीक है, जिसमें आपका Fe, जो आपका आयरन होता है, वो उसमें अटैच होता है। ठीक है, तो कोबाल्ट उसमें क्या होता है, उस कोरिंग रिंग में कोबाल्ट आपका फिट होता है। ठीक है, B12 के स्ट्रक्चर में, जैसे आपने हीमोग्लोबिन की जब रिंग पढ़ी थी, तो हीमोग्लोबिन की रिंग क्या थी? उसके अंदर आपका आयरन था। ठीक है, लाइकवाइज जैसे आपकी विटामिन B12 की जो रिंग होती है, उसके अंदर क्या होता है? आपका कोबाल्ट होता है। सोर्सेस, इसकी जितनी भी एनिमल सोर्सेज होती हैं, वो आपकी रिचेस्ट सोर्स होती है कोबाल्ट की, ऐसे लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, विटामिन B12 हो गया। ठीक है, और इसका जो RDA होता है, उससे बहुत कम अमाउंट में होता है, दैट इज योर 1 μg/day तक इसको इसकी रिक्वायरमेंट होती है, नॉट मोर देन दैट। नाउ द फंक्शन ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कोबालामीन एंड विटामिन और विटामिन B12। ठीक है, तो विटामिन B12 के जितने भी फंक्शन है आपके, वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से कोबाल्ट आपके परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, विटामिन B12 इज प्रेजेंट इन टू कोएंजाइम ऑफ कोबालामीन। ठीक है, तो जो दो कोएंजाइम्स होते हैं आपके कोबालामीन के, उसमें आपका विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। विटामिन B12 का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कोबाल्ट है। एक आपका मिथिलो कोबालामाइन होता है, एक आपका D2 डाइहाइड्रोक्स एडिनोसिल कोबालामाइन। ठीक है, तो ये दो जो दो कोएंजाइम्स होते हैं, वो आपके विटामिन B12 में प्रेजेंट होते हैं, और ये कोएंजाइम आपके कोबाल्ट से ही आते हैं। ठीक है, जो मिथिलो कोबालामाइन होता है, इसमें वो तो आपका हीमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज का को फैक्टर होता है, दैट इज योर 1 एंजाइम। ठीक है, और जो आपका डी हाइड्रो एडिनोसिल कोबालामाइन आता है, वो आपका किसका को फैक्टर है? आपका एल मिथाइल मेलानिन को एंजाइम ए म्यूटेज। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल का आपका को फैक्टर कौन सा है? 2 डी हाइड्रोक्सिल वाला, और जो आपका होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज है, उसका मिथाइल कोबालामीन वाला को फैक्टर है। ठीक है, तो ये जो आपके को एंजाइम्स है, वो किसके हैं? विटामिन B12 के, और ये विटामिन B12 का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कोबाल्ट। ठीक है, तो मेजरली पूरे फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है यहाँ? कोबाल्ट परफॉर्म कर रहा है। नॉर डेफिशिएंसी ऑफ कोबाल्ट, डेफिशिएंसी की जिसकी जो भी होती है आपकी, B12 और कोबाल्ट की सेम डेफिशिएंसी होती है, बिकॉज दे बोथ आर सेम कॉन्स्टिट्यूएंट। जो साइन सिम्टम्स होते हैं विटामिन B12 के ही होते हैं, और इसमें जो रिजल्ट होता है, वो किस में आता है? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में। ठीक है, तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो आपका होता है, वो आपका कोबाल्ट की डेफिशिएंसी का डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। अब अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में कोबाल्ट की, तो टॉक्सिसिटी क्या होती है? जब आपकी बॉडी में कोबाल्ट रिक्वायरमेंट्स से ज्यादा, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो आपकी टॉक्सिसिटी कहलाई जाती है। टॉक्सिसिटी के टाइम पे क्या होता है कि आपका कोबाल्ट किसमें रिजल्ट होता है? पॉलीसिंथेनीमिया। ठीक है, पॉलीसिंथेनीमिया मतलब यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं बॉडी में, उनका नंबर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बाय द नेम एनीमिया, देखो पहले यहाँ पे RBC की बात करी गई है, ठीक है, एंड देन फिर आपका पॉली लग गया है, इट मीन्स आपका वहां पे क्या है, नंबर ऑफ सेल, RBC सेल यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर RBC सेल्स भी ज्यादा मतलब क्वांटिटी में इंक्रीज होंगे, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। ठीक है, सो टॉक्सिसिटी कैन लीड्स टू इंक्रीज इन RBC सेल। सो दिस इज ऑल विद योर कोबाल्ट सेशन। इन केस ऑफ एनी डाउट, यू मे आस्क इन अ कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।